हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं हाउ टू गेट परचेस ऑर्डर लिस्ट इन SAP MM मॉडल। तो परचेस ऑर्डर का लिस्ट हम लोग SAP में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो आज देखने वाले हैं। उसके लिए टी कोड है ME21N और उसमें आपको SAP लॉगिन करके लेना है। SAP लॉगिन होने के बाद एक टिकोड इंसर्ट करना है। टिकोड आप इंसर्ट करोगे ME21N। ये टिकोड इंसर्ट करने के बाद आप देखोगे तो बाजू में आपको एक रेड सेंट में आपको एक मेनू दिख रहे है, चार मेनू है, उस पर आपको क्लिक करना है। यह डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो राइट साइड में आपको दिख रहा है एडोब का ऑप्शन है, रिफ्रेश का ऑप्शन है, फाइंड का ऑप्शन है। यहाँ से कौन सा भी व्यू आप फाइंड कर सकते हो और सेम एडोब कर सकते हो। ये जो मेन है ये है सिलेक्शन ओवरव्यू। आप इसमें आप देखोगे ये एरो जैसा जो सिंबल है उस पर आप क्लिक करने के बाद आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। उसमें माय परचेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका अभी तक का जितना परचेस ऑर्डर क्रिएट किया है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का टोटल व्यू देख सकते हो, प्लांट के हिसाब से आप देख सकते हो, स्टोरेज लोकेशन इंसर्ट करके देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखो यहाँ अभी कितना आपको रिकॉर्ड सर्च करना है उसका लिमिट डालना है और आप एग्जीक्यूट करोगे तो पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। ये देखो ये पूरा लिस्ट है जितने भी सारे PO बने हैं अभी तक के, ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ऐसा प्रोसेस है। अभी आप लोग किसी प्लांट का कोड डालकर भी उसी प्लांट का जितना भी PO क्रिएट हुआ है वो देख सकते हो। अभी इसमें से कौन सा भी एक PO पे क्लिक करोगे तो उसका व्यू आपको मिल जाएगा, उसका डिटेल्स मिल जाएगा और वो रिलीज़ रहेगा तो आप लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन वही सेम पीओ आप एडॉप्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अभी देखते हैं वापस एक बार, कोड डालने के बाद यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद अभी देखते हैं परचेस ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरिंग प्लांट कोड, स्टोरेज लोकेशन। आप यहाँ जो भी आपको जिस भी प्लांट का या स्टोरेज लोकेशन का PO चाहिए उसका कोड डाल के एग्जीक्यूट करके उसका डेटा निकाल सकते हो। अभी ये यहाँ मैं प्लांट कोड इंसर्ट कर रहा हूँ, प्लांट कोड डाला हो और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, परचेस ऑर्गेनाइजेशन का कोड और परचेस ग्रुप डाला हो। अभी ये प्लांट कोड में इतना PO अभी तक बना हुआ है। किसी भी PO पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आप PO एडॉप्ट कर सकते हो। ये देखो बहुत सारे PO है तो PO का लिस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप नया PO भी क्रिएट करवा सकते हो, कुछ चेंजेस करवाना है वो भी कर सकते हो और आपको ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ये देखो इधर रिलीज़ हुआ है इसलिए अभी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, डी रिलीज कंडीशन में ये आप चेंजेस उसमें करवा सकते हो। इतने सारे PO के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। ये देखो किसी भी PO पे क्लिक करके आप उसको सेम एडॉप्ट कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट PO क्रिएट करवा सकते हो। ये देखो
दोस्तों यहाँ से आप लोग पूरा पीओ का लिस्ट जो है, कितने पीओ रिलीज है, अनरिलीज है, कौन से पीओ ओपन स्टेटस में, ये सब चेक कर सकते हो। तो इजी ऐसा प्रोसेस है। उसका टी कोड आप ME21N से जा सकते हो। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।